नमस्कार, सुबह सुबह का प्रणाम, जय श्री कृष्ण। और अभी हम खड़े हैं इंदिरा नगर ग्राम पंचायत साफा। ये देखिए, हमारे समाज का पूरा लंबा चौड़ा गांव है। आप कई बार इस गांव को देख चुके हैं। वो रहा पीछे जसमा माता का मंदिर। और आपको बता दूं कि बीती शाम को एक शाम हंसाराम जी के नाम भव्य भजन संध्या जो है वो संपन्न हुई है। काफ़ी झूम नाचे कूदे और एक से बढ़कर एक सत्संगी यहाँ पर आए। एक से बढ़कर एक उदयपुर से नामचीन जो सत्संगी है वो आए। हेमराज जी है, प्रकाश जी है, राजू भाई है, और हमारे जोधपुर से देखिए आनंद जी मालक साहब, जो नाम ही काफ़ी है, वो भी हमारे बीच में आए। अच्छा लगता है जब समाज की धार्मिक कार्यक्रम होता है और इस प्रकार से पितरों की याद में इस प्रकार से पुण्यात काम होते हैं तो समाज की शोभा बढ़ती है। और इस कार्यक्रम में पिछली बार भी आने का मौका मिला था, जब मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था तब भी आया था, और हर बार आने का मौका मिलता रहता है, समाज के लोगों से मिलने का मौका, सभी से दर्शन का, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब परिवार के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक मंच पे सभी पर मिल जाते हैं। एक तो क्या घर घर जाके लोगों से मिलना, एक ही साथ मिलना, क्या कहेंगे? हाँ जी मालक साहब, अपने विचार करते रहे, इन छोटी छोटी गलियों से निकल रहे। काफ़ी अच्छे भजन सुनाए शाम को, आप लोगों का आशीर्वाद है। हाँ हाँ, क्या बात, और समाज का भी आशीर्वाद है। इधर से पतली पतली गलियों से निकले जी, स्वागत है। कि जो माँ सरस्वती की देन है मेरे ऊपर, वो समाज के हिसाब से ही है। समाज ने मुझे आज इतने बड़े मंच पर गाने का भी मौका दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ धर्माराम जी का और गोविंद जी का, बोलाराम जी का, सभी का। कि खास करके धर्माराम जी जो हर साल अपने पिताजी की बरसी पर जो भजन संध्या जागरण करते हैं और करवाते हैं, ये बहुत ही अच्छी एक सीख है समाज के लिए। और ये पिता भक्ति है, पितृभक्ति, पिता भक्ति है जो धर्माराम जी में भगवान ने कूट कूट के भरी है। और अपने पिता के प्रति इतनी बड़ी आस्था आज भी कायम रखते हुए हर साल ये भजन संध्या, ये जागरण और प्रसादी करते हैं। भगवान इनको इतनी शक्ति दे आगे भविष्य में कि ऐसे ये आयोजन करते रहें और समाज जो है इनकी वजह से जागृत भी हो रहा है कि पिता भक्ति होनी भी चाहिए, भक्ति क्या चीज़ है। ये धर्माराम जी आज ऐसे आयोजन करा के समाज को भी जागृत कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि भाई हमें अपने माता पिता के प्रति आस्था रखनी चाहिए। और उनके आशीर्वाद के हिसाब से ही ये चीज़ें होती है। माता पिता का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद होता है उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं झुका सकती, और दुनिया की जितनी तमाम दौलत है वो उनके कदमों में होती है। और माँ जसमा हमारी सबसे बड़ी सती माता है, हमें उनको भी याद करते हुए जहाँ 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 जिस जगह ओढ़ रहते हैं समाज वाले रहते हैं हमारे, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि माँ जसमा जी का भी हर साल कहीं ना कहीं भव्य जागरण भजन संध्या रखी जाए और प्रसादी करी जाए। इससे हम माता का आशीर्वाद भी मिलेगा हमें, और समाज के ऊपर माता जी की कृपा भी होगी, समाज आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चों को पता चलेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि माँ जसमा हमारी सती माता है, ना कि कुल देवी है, सती माता है। वो कुछ कह रहे हैं कुल देवी और कुल देवता अलग अलग होते हैं हमारे, क्या है तो इशारा कर रहे हैं। मैं आप लोगों से हाँ निवेदन करूँगा कि माँ जसमा जी को याद करते हुए हमेशा हर जगह, हर जिले वाइज, हर एरिया वाइज अपन हर साल एक भविष्य भजन संध्या जागरण और प्रसादी करें, और आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा करेंगे और हमारे समाज को आगे ले जाएंगे, दिशा दिखाएंगे, हमारे बच्चों को भविष्य बनाएंगे। जय जसमा माता की। तो आप देखिए कि यहाँ पर पितृभक्ति का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिल रहा है। लगातार 16 वर्षों से इस प्रकार से धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से समाज में एक जन जागृति, एक जन संदेश। वास्तव में कभी कभी लगता है कि हम अच्छी जगह जाते हैं तो ऋषि की संतान हैं,
भागीरथ जी की संतान है ये सिद्ध होता है। और सरपंच साहब ने जो कार्यक्रम किया है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छा है। और हर व्यक्ति को और समाज में जिसने जन्म लिया है उस हर व्यक्ति को धार्मिक काम करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि वास्तव में लोग देखें कि वाह क्या सुंदर कार्यक्रम। तो आप देख रहे हैं ये इंदिरा नगर से सीधा दृश्य है, चाहे सारे समाज के घर है या कोई भी दूसरे समाज का घर नहीं है, पूरा इंदिरा नगर में सब और समाज के रहते हैं। इधर तो कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले, बोल रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। बड़ा विद भाग्य ने मेरे साथ खेल रचा है। मैं सोचता था कि पारा जी कहते थे तू मेरे गांव आओ गोविंद आओ आओ आओ, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो पारा जी नहीं थे। तो कोविड ने बहुत कुछ हमारा छीना है, कोविड की वजह से आज हमारे पारा जी होते तो शायद इस कार्यक्रम की चार चांद लगते, चार शोभाएँ बढ़ती। और जिस प्रकार से उनका प्रतिनिधित्व रहता था पूरे राजस्थान में, राजस्थान ही नहीं राजस्थान के बाहर भी, करीब करीब हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमने वाले शायद एकमात्र पारा जी होंगे। क्यों है? जो समाज के हितैषी जिसको बोलते हैं, समाज के अंदर जिनकी पीड़ा है समाज को लेकर, ऐसे व्यक्ति एक ही थे पारस राम जी। आज उनके शरणों में सत्संग वंदन भी करते इस धरती पर आकर, उनकी स्वर्गवासी आत्मा जहाँ भी हो हमें आशीर्वाद जरूर दे ताकि हम जो जोश आपके अंदर था वैसा का वैसा जोश हमारे में भी कायम रहे। लाख मार खा के भी हम समाज के हित के लिए प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते रहेंगे। क्यों बोले राम जी? बिल्कुल करेंगे, मरते दम तक करेंगे, मरते दम तक करेंगे। इस समाज ने हमको कुछ सब कुछ दिया है, नाम दिया, मान दिया, सम्मान दिया है। हम कौन हैं, हम किसके भाई हैं, किसके परिवार के सदस्य हैं, सब पहचान तो समाज से मिली। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम समाज के साथ बिल्कुल मुस्तैदी के साथ, हर व्यवस्थाओं के साथ, रूढ़ी प्रथाओं के साथ लड़ेंगे और ये व्यवस्थाएं ठीक करके रहेंगे जो बदलाव करने हैं। और बदलाव जब भी होंगे, जब अच्छे लोग आगे आएंगे, ऐसे पुण्यात जिन्होंने सत्संग के माध्यम से अमृत वर्षा बरसा करके, तो अमृतवाणी के माध्यम से एक नई जन जागृति हुई है। शाम की एक शाम हंसा नाम जी के नाम भजन संध्या कार्यक्रम जो संपन्न हुआ है, और अभी आज प्रसादी का बड़ा कार्यक्रम है, पूरे गांव के लोग आज भोजन करेंगे और अभी हवन चल रहा है। मैं आपको थोड़ी देर में हवन कुंड में ले जाऊंगा जहां पे हवन की आहुति भी चल रही है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इंदिरा नगर के नाम पर आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि समाज के लोग और भी इससे जागरूक हो और वो भी इससे प्रेरणा ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय और समाज, जय हंसाराम जी की जय हो।